Hello people, I am Monica Jyoti Kujur. In this video, we are going to learn about the different theories of DNA replication and ultimately which theory was scientifically proven. And we are also going to find out the mechanism of DNA replication. So let's get started. 1953 में Watson and Crick ने दो पेपर पब्लिश किए थे. फर्स्ट पेपर में उन्होंने बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेकेंड पेपर में उन्होंने बताया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट होता है. वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जाता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जाता है. डीएनए में जो ये फर्स्ट टर्न होता है ये 34 एमस्ट्रॉन्ग का होता है और एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं. दो न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस 3.4 एमस्ट्रॉन्ग होता है. आइए अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा गहराई से समझते हैं. डीएनए के स्ट्रैंड डीऑक्सीराइबोस शुगर से बना होता है और फॉस्फरस से बना होता है और उनके बीच में ये नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं. यहाँ 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन एंड ग्वानिन. एडेनाइन एंड ग्वानिन के बीच में 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोसाइन एंड ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. एक नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं और एक नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फरस मिलकर के न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं. इसलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है. पॉली मतलब बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड मतलब एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर यूनिट और एक फॉस्फरस. वॉटसन एंड क्रिक के सेकेंड पेपर के अकॉर्डिंग डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, यानी कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंड बना लेते हैं. ये सिंगल स्ट्रैंड एक गाइड की तरह काम करते हैं और इसमें एक नए डीएनए का निर्माण होता है. लेकिन बहुत से साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना ट्विस्टेड डीएनए और इतना स्ट्रॉन्ग डीएनए कैसे अलग हो सकता है. ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, मैक्स डेलबर्ग. इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और डीएनए रेप्लिकेशन के 3 पॉसिबल थ्योरीज दिए. पहला है डिस्पर्सिव, सेकेंड कंजर्वेटिव और थर्ड सेमी कंजर्वेटिव. डिस्पर्सिव मेथड में पेरेंट डीएनए जो कि ब्लू कलर से इंडिकेटेड है छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है और ये सेगमेंट फिर अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं और ये किसी प्रकार से एक साथ जुड़ जाते हैं और एक नया डीएनए फॉर्म करते हैं. इस नए डीएनए में पुराना डीएनए और नया डीएनए दोनों ही मिक्स्ड होता है. सेकेंड थ्योरी है कंजर्वेटिव थ्योरी. इसके अकॉर्डिंग पुराना डीएनए जो कि यहाँ ब्लू कलर से शो हो रहा है ये अपना एक कॉपी बना लेता है. इसी प्रकार से सेकेंड जनरेशन में भी पुराना डीएनए अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है और सेकेंड स्ट्रैंड भी अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है. फर्स्ट जनरेशन में 50% पुराना डीएनए होता है और 50% नया डीएनए होता है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में 25% पुराना डीएनए होता है और 75% नया डीएनए पाया जाता है. तीसरा थ्योरी है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डीएनए के डबल स्ट्रैंड मेल्ट होकर के 2 अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंड एक गाइड की तरह एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं और इसमें एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है. यहाँ पर ये न्यू स्ट्रैंड येलो कलर से इंडिकेटेड है. सेकेंड जनरेशन में ये स्ट्रैंड फिर से मेल्ट होकर के अलग अलग हो जाते हैं. येलो स्ट्रैंड एंड ब्लू स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और इन स्ट्रैंड पे फिर से एक नए डीएनए का सिंथेसिस होता है. इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और फिर से इसमें नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है. यहाँ आप देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में 2 हाइब्रिड डीएनए बनते हैं. हाइब्रिड डीएनए से मेरा मतलब है एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड होता है. यहाँ पर 100% हाइब्रिड डीएनए फॉर्म होता है. वैसे ही सेकेंड जनरेशन में 2 हाइब्रिड डीएनए हैं और 2 नए डीएनए हैं.
इसका मतलब 50% हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन होता है और 50% न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इन तीनों थ्योरी में से सिर्फ आखिरी थ्योरी जो कि सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी है, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिसेलसन एंड स्टार्थ ने, और इनके एक्सपेरिमेंट को मिसेलसन एंड स्टार्थ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मिसेलसन एंड स्टार्थ ने ई कोलाई यानी एशरेशिया कोलाई लिया। ये एक बैक्टीरिया है और हमारे इंस्टेंटाइन में भी पाया जाता है। उन्होंने ई कोलाई को एक कल्चर मीडिया में ग्रो किया। इस कल्चर मीडिया में नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप N15 था। इस बैक्टीरिया में जो डीएनए है, डीएनए में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो N14 होता है। जब बैक्टीरिया का सेल डिवीजन होता है तो वो आसपास के नाइट्रोजन से अपने डीएनए को सिंथेसिस करता है। तो जब ई कोलाई डिवाइड होगा तो वो हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 को अपने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेगा। मिसेलसन एंड स्टार्थ ने बैक्टीरिया को डिवाइड होने दिया और 14 जनरेशन के बाद बैक्टीरिया से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सीशियम क्लोराइड डाला। ये एक हेवी सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसमें उन्होंने डीएनए को डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज कंप्लीट होने के बाद उन्होंने देखा कि पूरा डीएनए टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आके जमा हो गया है। इससे ये समझ में आ गया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गया है, जिससे कि डीएनए टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे की ओर बैंड शो करने लगा। अब इन बैक्टीरिया को जो N15 मीडिया में ग्रो हो रहे थे और हमें पता चल गया कि इनके डीएनए में हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो गया है, इन्हें एक दूसरे मीडिया में ट्रांसफर किया। इस मीडिया में N14 था। N14 में इन बैक्टीरिया को एक जनरेशन के लिए ग्रो किया गया। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, तो मिसेलसन एंड स्टार्थ में ऑन एन एवरेज आधे घंटे के बाद डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। अब इन डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी के हिसाब से एक हेवी डीएनए होना चाहिए और एक लाइट N14 डीएनए आ जाना चाहिए। इसके बाद डीएनए को सीशियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में डाला गया और फिर सीशियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब को स्पिन किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उन्हें एक बैंड मिला जो कि टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच पाया गया। ये ना तो नीचे आया ना तो ऊपर आया, बल्कि टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच आया। इससे हमें ये पता चल गया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में एक भारी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है और एक हल्का नाइट्रोजन बेस है। अब नेक्स्ट जेनरेशन में ई कोलाई को उसी मीडिया में ग्रो होने दिया। N14 मीडिया में जब वो एक जनरेशन के लिए फिर से डिवाइड हो गया तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद डीएनए को फिर से सीशियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और इसको स्पिन किया। इसको स्पिन करने के बाद हमें दो बैंड मिले, एक बैंड जो कि टेस्ट ट्यूब के बीच में बना और एक बैंड टेस्ट ट्यूब के ऊपर बना। टेस्ट ट्यूब के बीच में जो हमें बैंड दिखाई दिया डीएनए का, इसमें हाइब्रिड डीएनए था, और जो डीएनए टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ आ गए थे उन डीएनए में दोनों स्ट्रैंड लाइट डीएनए थे। ओके, नाउ लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ मिसेलसन एंड स्टार्थ एक्सपेरिमेंट। मिसेलसन एंड स्टार्थ ने पहले एशरेशिया कोलाई को N15 मीडिया में ग्रो किया, तब उसके डीएनए में N15 जो कि हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का इनकॉर्पोरेट हो गया, और सेंट्रीफ्यूज करने पे हमें डीएनए टेस्ट ट्यूब के बॉटम में मिला। जब ई कोलाई को लाइटर मीडिया में N14 मीडिया में ट्रांसफर किया और एक जनरेशन के लिए ग्रो किया तो उसका डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के वक्त स्प्लिट हो गया और इसमें एक नया स्ट्रैंड बना जिसमें कि N14 इनकॉर्पोरेटेड था। और जब इस हाइब्रिड डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया तो टेस्ट ट्यूब में इंटरमीडिएट बैंड बना। और अगेन जब ई कोलाई को नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रो किया तो
अगेन 50% हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन हुआ और 50% न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, और इनको स्पिन करने के बाद इक्वल्स विथ ऑफ इंटरमीडिएट बैंड एंड न्यू बैंड मिला। एंड अगेन जब ई कोलाई को नेक्स्ट एक और जनरेशन के लिए ग्रो करेंगे तब हमारा हाइब्रिड डीएनए सिर्फ दो ही रह जाएगा और हमारा न्यू डीएनए बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए जो इंटरमीडिएट बैंड यहाँ पर बना ये कम विड्थ का बना और जो हमारा न्यू बैंड जो बना लाइटर बैंड जो बना वो थोड़ा मोटा बना। आइए अब हम मिसेलसन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट को दूसरे थ्योरीज में अप्लाई करके देखते हैं। मिसेलसन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्हें एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन ये मिला था कि उन्हें एक हैवी बैंड मिला, एक इंटरमीडिएट बैंड मिला और थर्ड जनरेशन में उन्हें एक इंटरमीडिएट बैंड और एक लाइटर बैंड मिला। अगर आपको डिस्पर्सिव थ्योरी याद है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि पुराना डीएनए और नया डीएनए एक ही डीएनए में रैंडमली जुड़ा होता है। अगर डिस्पर्सिव थ्योरी को मिसेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यू करेंगे तो आपको इंटरमीडिएट बैंड मिलेगा सेकेंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में, लेकिन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में इंटरमीडिएट बैंड भी बना था और लाइटर बैंड भी बना था, इसलिए डिस्पर्सिव मेथड को रिजेक्ट कर दिया गया। और सेकेंड थ्योरी है कंजर्वेटिव थ्योरी, इसमें हमें एक ओल्ड डीएनए मिला और बाकी सारे के सारे नए डीएनए मिलते चले गए। और अगर इस थ्योरी को मिसेलसन एंड स्टाल थ्योरी से कंपेयर करेंगे तो हमें हमेशा एक हैवी बैंड नीचे की ओर मिलेगा और लाइटर बैंड हमेशा ऊपर की ओर मिलेगा, और ये सेकेंड जनरेशन से ही हमें ऐसा मिलता चला जाएगा, इसीलिए कंजर्वेटिव थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और लास्टली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें हमें पता है कि हमेशा एक ओल्ड डीएनए में न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है और ये हाइब्रिड डीएनए सिर्फ दो ही पाए जाएंगे, बाकी जनरेशन में नए डीएनए ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें एक हैवी बैंड नीचे की ओर मिलेगा, एक इंटरमीडिएट बैंड मिलेगा, एक इंटरमीडिएट बैंड मिलेगा थर्ड जनरेशन में और एक लाइटर बैंड मिलेगा, और थर्ड जनरेशन में हैवी बैंड बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। और ये थ्योरी हमारे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से मैच करती थी, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को ही एक्सेप्ट किया गया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो उसको कमेंट बॉक्स पे लिखें। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।